मैं आंदोलन में नहीं जाता हूँ। सिद्धार्थ बेहरा जी, आपको शुद्ध हिंदी भाषा में पहले बताया है, मैं आंदोलन में नहीं जाता हूँ। फोर्थ डायमेंशन सपनों की दुनिया को रिलेट करता है। सपने और फ्यूचर, ये दो अलग चीजें हैं। अगर वो सपने आपके सच पे हो रहे हैं, जो आपने सपने में देखा था वो बाद में सच हुआ है, देन यू आर इन द फोर्थ डायमेंशन। वरना आपने सपने देखे हैं और सपने हैं। मेरी मम्मी 3 बूस्टर ले चुकी है। वी कांट हेल्प। आप ऑनलाइन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, मैं लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। फिर लोगों की मर्जी है कि उस आंदोलन में आना है नहीं आना है। डरोगे तो कैसे चलेगा आंदोलन से? तो डरता नहीं हूँ मैं। तेरे बाप को और तेरे को पता भी नहीं होगा तब से मैं इन चीज़ों में लड़ा पड़ रहा हूँ। क्या तब से पढ़ा हूं जब तुम लोगों को पता भी नहीं था? और कुछ तो ऐसे भी लड़के होंगे यहाँ पे जिनको मुझे भी नहीं फूटी होगी, मैं तब से इन चीजों में पढ़ा हूं। क्या है, ये लोग प्रोपोगंडा चलाते हैं कि डॉक्टर जगदा है ना, ये ऐसा है, वो वैसा है। वो कुछ लोग हैं जिनको खुद को बड़ा बनना है, मगर खुद का बड़ा बनने के लिए किसी को नीचा दिखाना पड़ेगा। किसको नीचा दिखाने का है? तो सबसे बड़ा कौन है इस आंदोलन में? भाई साहब, जितना बड़ा इंफॉर्मेशन मैंने दिया है ना अब तक इस सारे आंदोलन में, वो किसी ने नहीं दिया है। मैं नाम लेके बोलता हूँ ना, तरुण कोठारी सर ने दिया है, ना बीआरएस ने दिया है, ना वोहान ने दिया है, ना बलिराज जी ने दिया है, ना आजाद जी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। सबसे ज्यादा सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन मैंने दी है। तो इसलिए मैं किसी से नहीं डरता। मैं सिर्फ उन चीज़ों पे नहीं जाता हूँ जिसका इम्पैक्ट मेरे को नहीं गिरता है। अब यहाँ से दिल्ली जाना और आंदोलन करना, कौन सा किसने अकल सिखाई है? मेरे को आंदोलन करना है, कलेक्टर ऑफिस पे करूँगा मेरे औरंगाबाद के। दिल्ली क्यों जाऊँगा मैं आंदोलन करने? तो जागिए और जगाइए, यही आपको एक रास्ता है। अब जियोमो आ चुका है। अब 4+1 विद्युतीय चुंबकीय तरंगे चालू हो चुकी है। मैंने आते ही, अब जो यहाँ पे 62 लोग आए हैं, पहले सिर्फ 5 थे तब मैंने रीडिंग दिखाई थी, अब 62 आए, इसके फिर से दिखाता हूँ। चुंबकीय विद्युतीय तरंगे चालू हो चुकी है। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले बीप हुआ था ये मैं जब आया था तब कंटिन्यू बीप हो रहा था। वीडियो आप स्टार्ट से देखिए, पहले 3 मिनट के अंदर मैंने दिखाया था। सर, लड़ो के लोग आप फॉलो करते होंगे, चुपी कैसे अपने YouTube पे वापस कब आएंगे? मेरा YouTube चैनल डिलीट किया है उन्होंने, मैंने उनको नोटिस भेजी है। अब देखते हैं क्या बोलता है। भूकंप आया था आज जयपुर में। ओके, ईशा बया जी कह रहे थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनु जी, प्लीज मुझे फोन मत कीजिए। अभी भी फोन आ रहे हैं, पता नहीं लोगों को समझता क्यों नहीं, भारत के लोगों को समझता क्यों नहीं है। सीधी बात कही हुई,
भारत के लोगों के दिमाग में जाती क्यों नहीं है? सर आपकी रिंगटोन मेरे फेवरेट है, माजा सॉरी कल पोर्टल की वीडियो देखी थी, मैंने डाली थी एक वीडियो कल पोर्टल की, अजीत डोवाल के घर के पास चीफ ब्रांड वाला पकड़ा गया। एनएमएस कोहली जी मेरे ख्याल से आप लेट ज्वाइन हुए, मैंने इसके बारे में आते ही बात किया है। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड मरने वाली है फरवरी में, मुझे पता चला है। रिप्टिलियन है वो, मरती नहीं जल्दी। चीप नहीं मिली आपको, समझा नहीं न्यूज अमोल जी, आपको न्यूज समझी नहीं है। वाय राहुल गांधी और एनी कांग्रेस लीडर नॉट अपोजिंग द एनडब्ल्यूओ? कांग्रेस बीजेपी को हटाओ, महंगाई कम करो, पेट्रोल कम करो, डीजल सस्ता करो, गैस सस्ता करो, ये चीजें बिल्ड बैक बेटर के लोग करना चाहते हैं और कांग्रेस कहती है कि इसको नॉर्मल पे लेके आओ, तो एक तरह से ये अपोजी है। आप लोगों को फिर से कहा, आपको सीधी लाइन भी बात किया तो समझता नहीं, आपको हिडन मैसेज में भी बात किया तो भी समझता नहीं, आप लोगों को समझता नहीं तो क्या करे। मैंने जो फाइल किया है उसकी कॉपी चाहिए, ड्राफ्ट मेरी ड्राफ्ट कॉपी में नहीं देता हूँ, मेरी ड्राफ्ट की कॉपी में नहीं देता, क्योंकि जूही चावला जैसे लोग ये इस दुनिया में हैं जो उसका गलत यूज़ कर सकते हैं। जैसे उन्होंने पहले आधा कच्चा मैटर डाल के 5G का मैटर पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया है, पूरा का पूरा कोलैप्स की है वो केस, तो ऐसे लोगों की वजह से मैं मेरा ड्राफ्ट नहीं देता हूँ और मैं मुँह पर कहता हूँ। सर अभी इंडिया ब्रिटिश कंट्रोल में है क्या? पूरी दुनिया ब्रिटिश कंट्रोल में है, क्वीन एलिजाबेथ पूरी दुनिया की रानी है। अभी भी भारत के संविधान में आप अगर जाके देखते हो तो कुछ चीजें हैं जो हमें ब्रिटिश लॉ को फॉलो करने के लिए ऑर्डर देती है। सर लोगों को समझा के थक गया हूँ, समझाने का टाइम खत्म हो चुका है, उन लोगों को कैलाशवासी होना है, उनके लिए आप सिर्फ अपने दिलों में हमदर्दी रख सकते हो और कुछ नहीं। सुबह जल्दी कैसे उठे, रात को जल्दी सोया करो, मोबाइल कम देखा करो। तो धन्यवाद सभी का, जागिए जगाइए।